दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज की फाइनेंशियल न्यूज के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट आज पूरी तरह से लाल रहा, रेड स्ट्रीट में रहा और निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब कुछ टूटा रहा और बहुत ज़्यादा ही टूटा। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 1011 पॉइंट और निफ्टी 280 पॉइंट टूटा। 280 पॉइंट एक बड़ा नंबर होता है निफ्टी के लिए। यानी इसके रीजन जो कहा जिसो इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो कह रहा है कि यूएस मार्केट में जो ऑयल प्राइस की जो ट्रेडिंग थी वो निगेटिव में चली गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑयल प्राइस की ट्रेडिंग निगेटिव हो रही है, जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट था वो इंडियन मार्केट को हिट किया और एक निगेटिविटी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से मार्केट स्टार्ट होते ही टूट गया और यह लंबा चलता रहा, पूरे दिन अप एंड डाउन हुआ, लेकिन यह उसी तरह से बहुत ही तेजी से टूटता रहा। इधर अगर MCX की बात करें तो MCX ने भी 1 रुपया अप्रैल के लिए रेट फिक्स कर दिया है सेटलमेंट ऑफ क्रूड ऑयल। यानी कि इंडिया में भी ऑयल को लेकर अच्छी हालत नहीं है। अभी पूरी दुनिया में ऑयल का जो कंजम्पशन था वो काफ़ी गिरा हुआ है और ऑयल प्राइस अभी क्रूड प्राइस मिनिमम लेवल पे से भी नीचे जा चुका है। ऑलरेडी चाइना, रसिया और UAE जैसी कंपनियों ने बहुत ही प्रोडक्शन को कम कर रखा है, उसके बाद भी ये हालात हैं। क्या अब बात करते हैं FDI की। FDI में हुआ क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले, 2 से 3 दिन पहले भारत सरकार ने एक बहुत ही कह सकते हैं कि FDI में थोड़ा सा प्रोविजन चेंज किया, जिसकी वजह से चाइना का इंडिया में इन्वेस्ट करना अब आसान नहीं रहा। उसके लिए उनको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब ऑटोमेटिक रूट उन्हें नहीं मिलेगी, जहां जहां पहले ऑटोमेटिक रूट थी उसको लेकर चाइना ने बहुत हायतवा मचा रखी है। आज सुबह उनके एम्बेसडर भारत सरकार के प्रतिनिधि से मिले और उन्होंने कहा कि ये WTO के प्रोविजंस का जो वायलेशन है, यानी कहा जा रहा है कि एक तरह से इंडिया ने वायलेशन किया, लेकिन इंडियन एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सही डिसीजन लिया है सही समय पे। क्योंकि चाइनीज़ कंपनी की एक पुरानी आदत भी रही है कि जब भी मार्केट ख़राब रहता है, चीज़ें ख़राब रहती, वो जाके वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्विजिशन करती हैं। क्योंकि चाइना अपने आप में एक कैपिटल कंट्री है, उनके पास बहुत कैपिटल है, उनके जो इन बिजनेस कंपनीज हैं उनके पास भी बहुत पैसा है। साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस पे था वो चाइना इसी को लेके क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अलग अलग देशों में कंपनी को खरीद सके। ये एक फिलॉसफी, एक थ्योरी चल रही है दुनिया में। खैर, उससे हमें लेना देना नहीं, हम तो अपनी बात करते हैं। तो इंडियन की अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सही डिसीजन लिया है और उसे सही माना जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे पहली प्रायोरिटी है और वहाँ एक्सपर्ट का भी बहुत क्लियर कहना है कि यहाँ WTO के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन नहीं हो रहा है। इधर किया मोटर्स ने कहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को देखते हुए अपने डीलर्स को वो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, ताकि उनके डीलर्स सर्वाइव कर पाएँ, कोरोना वायरस से निपट पाएँ और उसके बाद भी वो अपनी सर्विसेज किया मोटर्स को दे सकें। इधर 1,72,000 नोटिसेज सर्व किए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अभी इतनी 1,72,000 नोटिस सर्व करने का रीज़न ये है कि जो पहले से आउटस्टैंडिंग थी उसकी रिकवरी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत कह सकते हैं एक डंडा चलाया है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ रिकवरी हो पाए और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑलरेडी पैसे की ज़रूरत है, मल्टीपल फ्रंट पे पैसे खर्चे हो रहे हैं। तो वहाँ पे देखते हुए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये कोशिश की गई है। इधर ट्रंप की जो बात करें, उन्होंने कहा है कि अभी किसी भी तरह का इमिग्रेशन US में नहीं होगा। ये ऑर्डिनेंस हो सकता है मंडे वो पास कर दें, ताकि वो US में चाह रहे हैं कि अभी किसी भी तरह की इमिग्रेशन ना हो, ताकि वो US लोगों की जॉब प्रोटेक्शन कर सकें। अगर आप देखें यहाँ पे FDI की अगर हम बात करें तो हम भी वही बातें कर रहे हैं जो ट्रंप कर रहे हैं। तो चाइना को यहाँ भी हंगामा करना चाहिए कि आपने इमिग्रेशन क्यों रोक रहे हैं। ये एक फंडामेंटल रूल है कि सबसे पहले आप अपनी कंट्री को सेव करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। तो ट्रंप ने भी उसी हिसाब से इमिग्रेशन को रोकने की कोशिश की है, ताकि यहाँ पे जो US के सिटीजन हैं उनको नौकरी मिल सके, किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन हो सकता है इसके कारण इंडियन IT कंपनी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज लगभग 400 ऐसे स्टॉक थे जो उन्होंने लोअर सर्किट को हिट किया, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इधर EY ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और VC इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगभग 60% के अप टू 60% तक कम हो जाएगा 2020 के लास्ट तक, उनका ये मानना है, ताकि बहुत तरह की जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से हो सकता है कि ये प्रॉब्लम देखने को आए। इधर टाटा मोटर्स ने कहा है कि उन्होंने अपने व्हीकल जो कमर्शियल व्हीकल है उनकी जो अगर एक्सपायरी ख़त्म हो रही है एक्सटेंडेड वारंटी, उसको लॉकडाउन तक के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर आप
टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल यूज़ करते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इधर यूपी गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि वो ऑनलाइन इंडस्ट्रीज़ को पास देना स्टार्ट कर चुकी है कि वो अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि वो उन्हीं कंपनी को लेकिन दिया जाएगा जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा। अगर आपकी इंडस्ट्री में मास ह्यूमन इंटरवेंशन है तब आपको ना मिलेगा, ये उन्हीं को मिल सकता है जिनके पास कम ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, ताकि ये ईजिली किया जा सकता है। इधर एक IFSL के केस में डिलॉयट और KPMG को जो 5 साल का बैन लगा था उसको डिसमिस कर दिया है मुंबई हाई कोर्ट ने, यानी आप कह सकते हैं कि उनके लिए भी एक बड़ी राहत है। और वो IFSL के केस में बहुत तरह की प्रॉब्लम हुई थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था देश में, उसमें ऑडिट को लेकर बहुत बड़े क्वेश्चन उठे थे, वहाँ पे ICI में अपनी तरह से बहुत तरह की कोशिश कर रहा था, इधर कोर्ट में भी केसेस चल रहे थे। खैर, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से आएंगे अपने फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ, उसमें हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो फाइनेंशियल लाइफ से जुड़ी जो बेसिक और अच्छी इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुंच पाए। हम वैसे इन्फॉर्मेशनों को दूर रखने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत काम के नहीं हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐप स्टोर से आप हमारे वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इवन आप OTT पे भी हमारे सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं हिमांशु कुमार, थैंक यू।